पे चाहिए। ये कुछ हमने ड्राई फ्रूट लिए हैं, बादाम और काजू, थोड़े से काजू हैं और थोड़ा सा बादाम, और ये पिसा हुआ नारियल, ये एक बाउल पिसा हुआ नारियल, एक बाउल चीनी और एक बाउल खोया। और यहाँ पर हम यूज़ करेंगे ये मिल्क पाउडर है, मिल्क पाउडर का यूज़ करेंगे। ये 20 रुपये में, 20 रुपये के मिल्क पाउडर से आज हम बनाएंगे यहाँ पे बर्फी पेड़ा। पहले हम यहाँ पे लेंगे एक जार, और जार में जो हमने एक बाउल ये नारियल है कसा हुआ नारियल, नारियल को ऐड करेंगे। और उसके बाद में ये जो हमने एक बाउल चीनी ली है, चीनी को भी इसमें ऐड कर लें। हम इसमें ऐड करेंगे ये जो हमने काजू बादाम लिए थे, काजू बादाम को भी इसमें ऐड कर लें। और देखिए यहाँ पे हमने बादाम, काजू बादाम और खोया और चीनी का अच्छे से पेस्ट बना लिया। जिस बाउल से हमने एक बाउल बेसन लिया था उसी बाउल से दूध है, और थोड़ा थोड़ा करके इसे मिक्स करें, थोड़ा थोड़ा करके करेंगे जिससे कि जो हमारा ये जो बेसन है इसमें गुठली ना जमे, और धीरे धीरे करके हल्के हाथ से इसे तरीके से फ्राई करेंगे, और एकदम लो फ्लेम में हमें इस तरीके से इसको चलाते रहना। और हमें ज़्यादा नहीं पकाना क्योंकि हमारा बेसन जो हमने पहले से अच्छे से ब्राउन कर लिया था, अच्छे से पका लिया था, तो हमें इसमें अब ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी। और अब इसे हम बस 2 मिनट के लिए इस तरीके से चलाते रहेंगे, इसे फ्राई करके एक यहाँ पे एक जार में, और इसे हल्का सा ठंडा ठंडा होने के बाद में हम बेसन की बर्फी पेड़ा बनाना शुरू। जार में हमने ये जो हमने पेस्ट बनाया उसको ऐड कर लिया, और अब हम इसमें अब ऐड करेंगे ये जो हमने खोया लिया है, खोया को ऐड, और इसे अच्छे से यहाँ पर हमने जो हमारी मिठाई है, मिठाई के लिए अंदर से जो हमने मावा खो और ये ड्राई फ्रूट का अच्छे से यहाँ पे पेस्ट बना। और आप चाहें तो इसमें कलर का यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपको कलर पसंद नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। हम यहाँ पे थोड़ा सा इसमें कलर का इस्तेमाल करें, थोड़ा सा कलर का यूज़ किया है, और आप चाहें तो कलर को स्किप कर सकते हैं। फूड कलर यूज किया है, आप चाहें तो फूड कलर को स्किप कर सकते हैं। और अब इसे अलग से एक जार में निकाल लें, गोल गोल से हमें इस तरीके से पेड़े बनाने हैं, और सारे इसी तरीके से पेड़े बनाने। और यहाँ पे हमने लिया एक जार, और इसमें हल्का सा इसमें थोड़ा थोड़ा करके इसे घी लगा लें, घी से इसको इस तरीके से लगा लें जिससे कि जो हमारी ये बर्फी मिठाई है ये चिपके। और यहाँ पे हमने अच्छे से इसमें घी लगा लिया जिससे कि जो हमारी बर्फी मिठाई है वो चिपके। इसे हल्के हाथ से इस तरीके से फैला लें। हमने यहाँ पे सिर्फ एक बाउल से बनाया है, तो जितना भी हमारा यहाँ पे हमने बेसन की बर्फी मिठाई बनाई है फ्राई करके, और उसके पेड़े बनाएंगे, और इसकी हम बर्फी बना रहे हैं, और इसे इस तरीके से चारों तरफ फैला लेंगे, और इसे सेट होने के लिए। और बेसन हमारा ठंडा हो गया यहाँ पे, और अब हम इस तरीके से इसके गोले बनाएंगे, और गोले बनाने के बाद में इसको इस तरीके से एकदम जैसे रोटी के लिए हम बनाते हैं ना, उसी तरीके से जैसे चपाती के लिए, जैसे हम चपाती बनाते हैं इस तरीके से इसे चारों तरफ फैला लेंगे। और अब हम इसमें ये जो हमने पेड़े बनाए हैं, पेड़े को इस तरीके से इसमें, और इसे चारों तरफ इस तरीके से और हमारी बेसन की बर्फी पेड़ा बनके हो गई है तैयार। ये देखने में जितना अच्छा लग रहा है खाने में भी उतना ही स्वादिष्ट होता है। दोस्तों आपको हमारी आज की बेसन की बर्फी पेड़ा की रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो अगर थोड़ा सा भी पसंद आए तो प्लीज़ दयाल जी के ढाबा को सब्सक्राइब करें। और होली स्पेशल नमकीन बनाने के लिए हमें यहाँ पर चाहिए एक प्लेट चने की दाल, और ये 1 प्लेट काली मसूर की, किशमिश और काजू, और ये कुछ हैं मखाने, इनको पहले अच्छे से घी में थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे। उसके बाद में हम फ्राई करेंगे चने की दाल, चने की दाल के बाद में हम करेंगे एक काली मसूर की दाल को फ्राई,
दो तरह की नमकीन है, तो शुरू करते हैं होली स्पेशल नमकीन बना। कम से कम 2 से 3 घंटे, इसको मैक्सिमम 2 से 3 घंटे भिगाना, जिससे कि जो हमारी नमकीन बनेगी बहुत ही अच्छे से और करारी बनेगी। ये देखिए इस तरीके से टूट जाती है। और यहाँ पे लिए हमने एक कढ़ाई, और कढ़ाई में हम डालेंगे रिफाइंड ऑयल डालेंगे। और देखिए दोस्तों तेल हमारा गर्म हो गया है। ये देखिए चने की दाल को आराम आराम से थोड़ा थोड़ा करके, ये होली स्पेशल है तो एक प्लेट भर के चने की दाल की नमकीन, और थोड़ा थोड़ा करके इस तरीके से आराम आराम से डाल, ताकि जो हम पे छींटे भी ना पड़े और एकदम अपनी भी सुरक्षा करना है और अच्छे से कुकिंग करना है। और इस तरीके से कर्चे को चलाते रहेंगे, जिससे कि जो हमारी नमकीन है वो नमकीन चले भी ना और एकदम अच्छे से फ्राई करना। होली स्पेशल चटपटी चने की दाल में यहाँ पर हम नमकीन के लिए मसाला तैयार करेंगे। मसाला नमकीन के मसाले के लिए हमने यहाँ पर लिए हैं ये थोड़ा सा एक कड़ी पत्ता है, कड़ी पत्ते को अच्छे से फ्राई करेंगे। और ये 1 चम्मच साबुत धनिया, 8 से 10 काली मिर्च और थोड़ा सा सौंफ, इन्हें अच्छे से मिक्सी में ग्राइंड करें। और मसालों में हमने यहाँ पर लिया है ये 1 बड़े चम्मच से सब्जी मसाला, 1/2 चम्मच गरम मसाला और 1/2 चम्मच ये मैगी मसाला है, और 1 बड़े चम्मच से चाट मसाला, और 1 छोटी चम्मच से नमक, और 1 बड़ी चम्मच से लाल मिर्च पाउडर। होली स्पेशल है तो एकदम चटपटा तो बनता है। और मसाला आप अपने तरीके से ही यूज़ कीजिए, आपको जितना चटपटा पसंद है आप उसी तरीके से यूज़ कीजिए। हमने यहाँ पे इस सारे मसाले लिए, अब इन्हें अच्छे से मिक्सी में ग्राइंड करेंगे, जिससे कि जो हमारी नमकीन बनेगी वो एकदम चटपटी और करारी खस्ती नमकीन बनेगी। नमकीन हमारी एकदम परफेक्ट तरीके से ब्राउन हो गई, नमकीन हमारी परफेक्ट तरीके से यहाँ पे फ्राई हो गई है, और अब इन्हें निकाल लेते हैं। ये देखिए ये ऊपर ऊपर तैरने लगी है, तो इसका मतलब है कि हमारी जो नमकीन है वो एकदम परफेक्ट तरीके से फ्राई हो गई। से इनका सारा ऑयल निकाल लेंगे, कुछ ऑयल तो हम यहाँ पे निकाल लेंगे और बाकी का ऑयल हम ये जो हमने यहाँ पे ये पेपर लिया है पेपर में रखेंगे, और सारा ऑयल इसमें निकाल देंगे। काली मसालेदार एकदम आराम आराम से इस तरह होली स्पेशल काली मसूर की नमकीन लेंगे। ये जो हमने काली मिर्च, धनिया और थोड़ा सा सौंफ लिया है तो ऐड करेंगे। और देखिए दोस्तों ड्राईफ्रूट को भी हमने अच्छे से रोस्ट कर लिया, ये देखिए एकदम परफेक्ट तरीके से रोस्ट किया है। ये जो कड़ी पत्ता है कड़ी पत्ते को भी अच्छे से इसमें फ्राई कर लिया। नमकीन का हमारा सारा ऑयल निकल गया है, और अब इन्हें एक जार में इस तरीके से इनका सारा ऑयल निकाल, सारा ऑयल निकल गया है, और अब इन्हें अच्छे से जार में करेंगे। हमारे जो मसाले हमने अच्छे से बनाए हैं परफेक्ट तरीके से जो मसाले बनाए हैं उन्हें अच्छे से इसमें मिक्स, और अब हम ऐड करेंगे ये जो ड्राई फ्रूट है हमारे ड्राई फ्रूट को भी अच्छे से मिक्स कर, और अब हम मिक्स करेंगे ये जो हमने मसाला बनाया है एकदम चटपटा और क्रिस्पी मसाला, इसको मसाले को अच्छे से इसमें ऐड कर लेंगे, और आपको जितना चटपटा पसंद है आप उसी प्रकार से इसमें मसाला ऐड करें। ये होली स्पेशल है तो थोड़ा सा चटपटा तो बनता है। ये देखिए ये देखने में जितना अच्छा लग रहा है खाने में उतना ही स्वादिष्ट है। कड़ी पत्ते को भी इसमें इस तरीके से ये देखिए हो गया ना एकदम क्रैश एकदम अच्छे से, और इसे अच्छे से इसमें मिक्स कर लें।